हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। हां जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लिया था, राइट? मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन तीन तरह की होती है, एक ब्लॉक वाइज, एक एडिशनल, और एक होता है एसेट वाइज डेप्रिसिएशन। आज हम वो पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखा है स्पेशल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एन एसेट ऑफ एन अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन द जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप एक काम करो, इसके साथ लिख लो। यहां पे आप लोग लिख लो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये वो केस है जहां डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ओके, तो ये जो एसेट वाइज डेप्रिसिएशन का सिस्टम है ना, यानी कि एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी, ब्लॉक पे नहीं लगेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अवेलेबल है, बाकी किसी को अवेलेबल नहीं है। ओके, स्पेशल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एन एसेट्स, डेप्रिसिएशन का प्रोविजंस उन एसेट्स पर ऑफ एन अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन द जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो बिजली बनाते हैं या बनाकर बेचते हैं उनके लिए है, राइट? फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1998-99। ओके, तो ये बता रहे हैं असेसमेंट ईयर 1998-1999 से असेसी हु इज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैव द ऑप्शन टू क्लेम डेप्रिसिएशन, हैव द ऑप्शन टू क्लेम डेप्रिसिएशन ईदर ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट और WDV मेथड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। ओके, मैं वो पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये ऑप्शन कि आपको एसेट वाइज डेप्रिसिएशन चाहिए या ब्लॉक वाइज, ये ऑप्शन आपको 98-99 असेसमेंट ईयर से अवेलेबल हुई है, यानी कि 97-98 असेसमेंट ईयर तक आपके पास चॉइस नहीं थी कि आप ब्लॉक वाला सिस्टम से डेप्रिसिएशन क्लेम करो या इंडिविजुअल एसेट पर क्लेम करो। अब प्रश्न ये है कि सर 97-98 असेसमेंट ईयर तक क्या था? अगर ऑप्शन नहीं थी तो क्या था? सर वहां ब्लॉक सिस्टम था, ब्लॉक सिस्टम था। ओके, मैं एक काम करता हूं, आप यहां पे आ जाओ मेरे साथ। अप टू असेसमेंट ईयर 97-98, ठीक है, और यहां लिखते हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर 98-99, और ये सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बाकियों में ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो ब्लॉक ही होता है, वहां तो ब्लॉक सिस्टम ही होता है, वहां तो ईच एसेट होती नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बात हम सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये बात हम सिर्फ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी और अंडरटेकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अप टू असेसमेंट ईयर 97-98 तक क्या था और 98-99 से क्या हुआ? अप टू असेसमेंट ईयर 97-98 तक जो आपके पास एसेट थी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास जो एसेट्स थी जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ WDV ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट पे मिलता था, WDV ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि ब्लॉक कैसे बनता है, उसकी WDV कैसे निकलती है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगती है, फिर ब्लॉक अगले साल कंटिन्यू कैसे होता है, वो सब मैंने सिखा दिया। वही सिस्टम फॉलो होता था अप टू असेसमेंट ईयर 97-98 तक।
अब अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 98-99 से एसएससी को ऑप्शन दी गई, ध्यान देना बेटा, एसएससी को ऑप्शन दी गई, या तो यही ओल्ड सिस्टम चूज कर ले, यानी कि या तो वैसे चलते रहे जैसे चल रहे डब्ल्यूडीवी ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट चलता रहे, या तो यही वाला सिस्टम चूज कर ले, या एक नई ऑप्शन मिली उसको, एक नया तरीका मिला कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ऑन ईच एसेट डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। मतलब डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकता है ऑन ईच एसेट यानी कि अब ब्लॉक नहीं इंडिविजुअल एसेट की बात कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं इंडिविजुअल एसेट की बात कर रहे हैं, वो भी जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाकर, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके वो ईच एसेट के ऊपर, ईच एसेट के ऊपर क्लेम कर सकता है, ईच एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो क्लेम कर सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो बताइए प्लीज कब से ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इंडिविजुअल एसेट पे काम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 98-99। अच्छा एक बात बताऊं, असेसमेंट ईयर 97-98 को हम लोग प्रीवियस ईयर 96-97 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। यानी कि जो एसेट्स अप टू 31 मार्च 97 आपने परचेज किया ना, अप टू 31 मार्च 1997 प्रीवियस ईयर का ही असेसमेंट ईयर होता है, 97 तक परचेज किया ना, उस एसेट के ऊपर आपको ओल्ड सिस्टम ब्लॉक वाला ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 1997 ऑनवर्ड्स आपने जो भी एसेट परचेज की होगी ना, जो भी एसेट आपने परचेज की होगी, क्योंकि असेसमेंट ईयर 98-99 का मतलब है प्रीवियस ईयर 97-98, ठीक है ना, तो 97 प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल 1997 ऑनवर्ड से आपने जो भी एसेट परचेज की होगी ना, जो भी एसेट परचेज की होगी उसके ऊपर आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आपको ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो सुन लो आप। सर मान लो एक अंडरटेकिंग है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है, ये पुरानी कंटिन्यू हो रही है, पुरानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चल रही है, 1 अप्रैल 97 प्रीवियस ईयर, यानी 97-98 ये प्रीवियस ईयर हो गया 97-98 और असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली बन गया इसका 98-99। यहां से आपको ऑप्शन मिल गई, इस डेट से आपको ऑप्शन मिल रही है, इस डेट से आपको ऑप्शन मिल रही है। ओके, एक एसेट आपने यहां परचेज की है, एसेट्स आपने यहां परचेज किए और यहां भी परचेज किए, ठीक है, ध्यान सुनना, आपने 1/4/1997 प्रीवियस ईयर में ये सोचा कि मैं ऑप्शन अवेल करूंगा और मैं अब जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट पर डेप्रिसिएशन दूंगा, क्लेम करूंगा। तो मतलब आपने यहां पे ऑप्शन अवेल कर ली, अवेल मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट पर देंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, यू विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट। मेरा क्वेश्चन है कि अब आपको जो स्ट्रेट लाइन मेथड मिलेगा वो खाली इसी एसेट में मिलेगा या दोनों पे मिल जाएगा, या पुरानी जो चल रही थी अब उन पर भी आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे, या ऐसा होगा कि इस पर आप डब्ल्यूडीबी ब्लॉक वाला सिस्टम ही चलाएंगे और इस पर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन इंडिविजुअल एसेट पे मिल जाएगा। दैट इज माय क्वेश्चन। हां जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोले प्लीज द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर। देखो क्वेश्चन क्लियर होंगे ना तो मजा आएगा, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि लॉ को पढ़ना बड़ा आसान है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको समझना मेन चीज है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो बताइए प्लीज, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसको आपने पुरानी कंपनी, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फॉर्म्ड ही
एक 497 के बाद हुई है, 1497 प्रीवियस ईयर के बाद हुई है या 1497 से हुई है, उसमें यह दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो एसेट भी आप खरीदोगे वो तो 97 के बाद ही होगी। अगर आप ऑप्शन अवेल कर लोगे कि मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड लेना है उन इंडिविजुअल एसेट के ऊपर, तो फिर वो तो जो भी एसेट आप खरीदते जाओगे उन पर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड मिलेगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो कंपनियां पुरानी है और चली आ रही है और वो लोग ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले WDV में थे, अब वो स्ट्रेट लाइन मेथड में आना चाह रहे हैं, राइट, आ गए हैं, तो उनको पुरानी एसेट पर भी स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा या सिर्फ उन्हीं एसेट पर स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो उन्होंने 1497 के बाद खरीदी होंगी? दैट इज माय क्वेश्चन। चलिए सर मैं इसका आंसर दे देता हूं, आपने सोच लिया होगा मन में, जो भी आंसर आपके मन में आया होगा सही आंसर क्या है मैं बता देता हूं। सर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन एसेट पर स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो उन्होंने 1497 और उसके बाद खरीदी है। जो एसेट उनके पास 1497 से पहले की है उन्हें उन पर आज भी WDV ऑन ब्लॉक ऑफ सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। WDV ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट का जो सिस्टम है वही फॉलो करना पड़ेगा। उनके पास बिल्कुल च्वाइस नहीं है कि वो पुरानी पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दे। च्वाइस सिर्फ 1497 के बाद वाली एसेट के लिए दी गई है, 1497 से पहले वाली एसेट के लिए ये ऑप्शन नहीं दी गई है। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके थोड़ा सा मैं दिखा दूं दोबारा एक बार। 1497 से यानी कि असेसमेंट ईयर 98-99 से, प्रीवियस ईयर 97-98 से असेसी के पास ये ऑप्शन है, या तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट पर या वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले ऑन ईच एसेट पर, ये ऑप्शन है। और अगर 97-98 तक की बात करें तो कोई ऑप्शन नहीं थी, उसे WDV ही फॉलो करना पड़ता था, कोई च्वाइस नहीं थी। आइए आपको मैं ये वाली बात यहां पढ़ाता हूं। सर यहां लिखा है From the assessment year 98-99, यानी कि प्रीवियस ईयर 97-98, assessee who is engaged in the business of generation or generation and distribution of power have the option to claim depreciation on straight line method or WDV block of asset, WDV block या straight line method, each asset। आगे बढ़िए, this option is available in respect of only those assets which acquired after 31st March 1997। जो एसेट आपने 31st March 1997 के बाद खरीदी है यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं एसेट पर अवेलेबल है। यह ऑप्शन आपको उन्हीं जो इसे पहले खरीदी हुई है उन पर यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। Therefore, the asset acquired up to 31st March 1997 will form part of block of asset and depreciation on the WDV shall be allowed under section 32(1)(2). Section को ज़्यादा emphasis मत करो, section is not important, important है कि वो block of asset ही बनेगा, WDV निकालना पड़ेगा आपको उसी तरीके से। इसके बाद जो लिखा हुआ है section 32(1)(1) provide that NSSC, ये सारा वही depreciation लिखा हुआ जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एट द prescribed rate, बस साथ में लिख दिया कि अब उसी तरीके से asset पर मिलेगी depreciation, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में मिलेगी, ब्लॉक पे नहीं मिलेगी, एक्चुअल कॉस्ट में मिलेगी, प्रिस्क्राइब्ड रेट होगा, रेट आपको याद नहीं करना, एसएलएम का रेट जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ऑन ईच एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, ये नोट्स मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये नोट्स 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, आप इनके ऊपर आओ, ये मैं आपको दिखा दूं पीपीटी से, आ जाओ पीपीटी से दिखाता हूं, पीपीटी में मैंने पूरा बना रखा है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। हां जी, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्वायर्ड अप टू मार्च 97, ब्लॉक सिस्टम विल बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो आप लोगों को कॉपी करने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज ये सारा कुछ मैंने नोट्स के अंदर लिखी रखा है, दिखा रखा है आपको। ब्लॉक सिस्टम विल बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, एसेट वो वाली जो आपने एक्वायर्ड की है ऑन और आफ्टर 1497, ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू द असेसी, ही कैन चूज ईदर WDV ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट और SLM ऑन ईच एसेट। ठीक है, तो जो लोग जो आपने 1497 के बाद एसेट खरीदी है उनके ऊपर आपको च्वाइस नहीं है, ऑप्शन है कि आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो। Concept of assets used for less than 180 days applicable
इवन इफ एसएससी चूज एसएलएम मेथड। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अगर आपको याद हो तो, कि वो जो 180 डेज और लेस देन वन सॉरी 180 डेज से लेस एसेट को यूज करने पर डेप्रिसिएशन हाफ हो जाती है, वो तीनों तरह के सिस्टम पर एप्लीकेबल है। एडिशनल में मैंने आपको दिखाया था, ब्लॉक में तो करते हुए समझाया था, यहां पर भी वो कंसेप्ट एप्लीकेबल है। चाहे आप एसएलएम मेथड लगा रहे हो, ऑन ईच एसेट लगा रहे हो, तब भी आपको हाफ डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट यहां भी एप्लीकेबल है। एसएससी हैज टू चूज ऑप्शन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये मैं समझाऊंगा, एसएससी को ये ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी रिटर्न की डेट से पहले पहले। समझाऊं? ओके, क्लियर करूं? ओके, अभी ना आप लोगों को ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको एक चैप्टर आएगा फ्यूचर में रिटर्न ऑफ इनकम, हम रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, तब मैं बताऊंगा ड्यू डेट कब तक होती है, यानी कि रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है। लेकिन क्योंकि अब मुझे इस बात को यहीं पे समझाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा यहां पे, समझाऊंगा। सर एक होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है सर, मालूम है हमने को। सर एग्जांपल के लिए हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19, सही है ना सर? यस, ये एक प्रीवियस ईयर है। अगर आपको ध्यान हो तो असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स देना होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम कमाते हैं ना सर, उस इनकम के ऊपर हमें जो टैक्स देना होता ना, वो असेसमेंट ईयर में देना होता है। ओके, ये बात तो आपको पता है, ये बात तो हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, ये टैक्स आपको ड्यू डेट तक फाइल करना होता है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं पेमेंट कब तक करनी होती है गवर्नमेंट को, टैक्स की पेमेंट कब तक करनी होती है। हालांकि इनकम टैक्स में ना कहीं भी, मजे की बात है, डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स में लिखा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और रिटर्न फाइल तभी होती है जब आप पेमेंट कर चुके होते हो, इज इट क्लियर? तो पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, साथ में करते हैं लोग। सर 1 अप्रैल 2019 से अगला साल शुरू होगा, ये चलेगा 31 मार्च 2020, यानी कि ये अपना बन गया सर असेसमेंट ईयर। इस प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स अपने को देना होता है असेसमेंट ईयर में। कब तक देना होता है सर? ड्यू डेट तक देना होता है, ड्यू डेट तक देना होता है सर। ड्यू डेट ना दो होती है, अगर कोई इंडिविजुअल HUF ऐसी कैटेगरी के लोग हैं, स्मॉल इनकम कमाने वाले, तो उनके लिए जनरली 31 जुलाई होती है, जनरली 31 जुलाई, इस साल की, इस साल की का मतलब है 31 जुलाई 2019। ऑब्वियसली अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं तो ये 31 जुलाई 2019 होगा। और जो कंपनी वगैरह होती है ना, कंपनी वगैरह, उनके लिए क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होती है, उनकी टर्नओवर ज्यादा होती है, तो उनके लिए जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 सितंबर 2019, इस साल असेसमेंट ईयर की होती है। ड्यू डेट इज ऑलवेज ऑफ असेसमेंट ईयर, ड्यू डेट इज ऑलवेज ऑफ असेसमेंट ईयर। तो सर 30 सितंबर 2019 जो है, 30 सितंबर 2019 जो है, ये असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट है, ये असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट है, यहां तक आपको जमा करवाना होता है टैक्स। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, एसएससी हैज टू चूज ऑप्शन, आपको ऑप्शन चूज करनी है, आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पहले चूज करनी पड़ेगी। यानी कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का केस पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो ये 30 सितंबर से पहले पहले आपको ड्यू डेट चूज करनी पड़ेगी, सॉरी 30 सितंबर से पहले, 30 सितंबर ड्यू डेट है, और 30 सितंबर या उससे पहले पहले आपको फाइनल करना पड़ेगा कि आपको WDV ब्लॉक ही कंटिन्यू करना है या SLM चाहिए, या SLM चाहिए। क्लियर? ओके, अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, समझाऊंगा, वेट करना। ओके, देखो मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और वो बड़ी पुरानी कंपनी है, ओल्ड कंपनी, मान लो ये 1 अप्रैल 1990 से चल रही है, 1990 से चल रही है। ओके, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 97, यानी कि 98 तक, 31 मार्च 98 तक, ये 97 98 प्रीवियस ईयर है,
इस ईयर की जो इनकम है, इस ईयर की जो एसेट्स है, उन पर आपको ऑप्शन मिलेगी डेप्रेशन स्टेटमेंट मेथड क्लेम करने की। तो ये प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर ये बनेगा, यानी कि 98-99, और इसमें डेट बनेगी 30 सितंबर 98। इसका मतलब जिन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पुरानी है, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पुरानी है, पहले से चली आ रही है, 30 सितंबर 98 जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की उस ईयर की जिसमें ऑप्शन अवेलेबल स्टार्ट हुई थी, उनको उस ईयर में ऑप्शन चूज करनी थी कि उनको स्ट्रेट लाइन चाहिए या WDV चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, पुरानी थी, उनके लिए ये चूज करने की जो ड्यू डेट थी ना वो 30 सितंबर 1998 थी। उनके लिए जो ड्यू डेट थी ना वो 30 सितंबर 1998 थी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। लेकिन मान लो कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो बनी बाद में, एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2000 को बनी है, अब जो नई स्कीम है ऑप्शन है वो तो 98-99 असेसमेंट ईयर से थी, 1 अप्रैल 2000 को जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फॉर्म हुई है उनके लिए कब होगी? उनका फिर जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसका जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें होगी ड्यू डेट। यानी कि जो 2000 में बनी है ये प्रीवियस ईयर हो गया 2000-2001, इसका असेसमेंट ईयर बन गया 0102 इसका, और इसमें जो ड्यू डेट आएगी यानी कि 30 सितंबर 2001 आएगी, यहां उनको फाइल करनी पड़ेगी, यहां उनको चूज करनी पड़ेगी ऑप्शन कि उन्हें WDV चाहिए या SLM चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। और ये मैंने 30 सितंबर लिखा ना, आप भी 30 सितंबर लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उस टाइम पे ना ड्यू डेट 31 अक्टूबर हुआ करती थी, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, उस टाइम 31 अक्टूबर हुआ करती थी, ये तो बाद में इसकी डेट चेंज हुई है 30 सितंबर। ओके, चलो थोड़ा समझा दूं आपको, ये वाली बात दोबारा समझा दूं। सर सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि आप ये ऑप्शन चूज करो तो आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पहले करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कौन सी? सर अगर आपकी कंपनी पुरानी है, ऑलरेडी चल रही है, मतलब ये ऑप्शन आने से पहले की है, तो जिस साल ये ऑप्शन आई थी ना उसका जो असेसमेंट ईयर होगा उसकी ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। सर ये ऑप्शन आई थी 97-98 प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर होगा 98-99 और आपको 30 सितंबर 98 तक चूज करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बाद में बनी है इस ऑप्शन आने के, तो फिर जिस साल आपकी बनी है ना उसके जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें चूज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपकी कंपनी 2000-2001 में बनी है तो असेसमेंट ईयर 1-2 में जो ड्यू डेट होगी उसमें आपको चूज करनी पड़ेगी, या आपकी कंपनी 2010-11 में बनी है तो असेसमेंट ईयर 11-12 में जो ड्यू डेट होगी तब आपको चूज करनी पड़ेगी। बोलिए प्लीज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके सर, मुझे लग रहा है पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने के ऑप्शन आपके पास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बात मैं आपको यहां से पढ़ाना चाहता हूं, हां जी ये बात मैं आपको यहां से पढ़ाना चाहता हूं, थोड़ी टेक्निकल था इसलिए टेंशन मत लेना, टेक्निकल चीजें पढ़ोगे तो जो एग्जाम में आती है वो चीजें अपने आप आसान लगती है। चलो एक नोट नंबर 1 पढ़ लो, ये तो मैं करवा ही चुका हूं आपको। वेयर एनी एसेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज पुट टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर द डेप्रिशिएशन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। अगर आपने एसेट को, ये आपको बता चुका हूं मैं, अगर आपने एसेट को पुट टू यूज किया है लेस देन 180 डेज, ठीक है, तो आपको यहां भी डेप्रिशिएशन हाफ मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट एक बार छोड़ दो। ओके, थर्ड पॉइंट, द ऑप्शन टू क्लेम डेप्रिशिएशन इन अकॉर्डेंस विद ईदर ऑफ द टू मेथड इज अवेलेबल इनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एसेट विच आर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/1997। ये तो आप पढ़ चुके हो। फॉर एसेट जो आपने प्रायर खरीदी है उसके ऊपर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको WDV ब्लॉक सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। हां जी, अब आता है फोर्थ पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा था, द असेसी हैज ऑल्सो द ऑप्शन नॉट टू क्लेम डेप्रेशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बट क्लेम डेप्रेशन नॉर्मली ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए और आपको WDV चाहिए, चलो एक क्वेश्चन पहले पूछ लूं,
अगर आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करते, अगर आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करते तो बताओ बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा मेथड मिलेगा। मान लो आपकी कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 1497 से पहले आप डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक चले आ रहा था, डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक चले आ रहा था 1497, यानी कि वो डेट जहां आपको चूज करना था कि एक नया मेथड आया है SLM, आपको वो चाहिए या पुराने में कंटिन्यू करना है, आपको वो चाहिए आपको पुराने में कंटिन्यू करना है। सपोज आप कोई मेथड चूज नहीं करते, कौन सा मिलेगा बताओ, कौन सा लगेगा आपको इनकम टैक्स की तरफ से? सर आप 99% गलत सोच रहे होगे, ऐसा मुझे लगता है। सर सबको लगता है कि वो WDV कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले वो चल रहा था और हम कोई चूज नहीं करेंगे तो वही चलेगा। जवाब गलत है सर। लोग कहते हैं इन केस आप चॉइस नहीं करते कि आपको कौन सा मेथड चाहिए, हम आपको बाय डिफॉल्ट SLM देंगे। अगर आपको SLM नहीं चाहिए जो हमने नई ऑप्शन दी है, तो आपको चूज करना ही पड़ेगा कि हमें WDV ही चाहिए। और जिन लोगों ने बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लगाई है उन्हें भी हम बाय डिफॉल्ट SLM ही देंगे। अगर वो चाहते हैं उन्हें SLM नहीं चाहिए तो वो ड्यू डेट तक ऑप्शन चूज करें कि उन्हें SLM नहीं चाहिए, उन्हें WDV ही चाहिए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ऑप्शन SLM ना लेने के लिए है, क्योंकि SLM तो अपने आप मिल ही जाएगा। अगर आप कुछ चूज नहीं करोगे तो SLM तो मिल ही जाएगा। मैं एक बात बोलूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको SLM चाहिए तो आपको कोई ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको SLM चाहिए तो आपको कोई ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर आपको SLM नहीं चाहिए और आपको अपने पुराने सिस्टम में कंटिन्यू करना है, या आप नए SSC हो लेकिन आपको WDV ब्लॉक में कंटिन्यू करना है या WDV ब्लॉक स्टार्ट करना है, तो फिर आपको ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। देखो इफ ऑप्शन, यहां से पढ़ो लास्ट, नॉट एक्सरसाइज्ड डेप्रिशिएशन शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ SLM। अगर आपने ऑप्शन नहीं चूज की तो आपको SLM मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक बार आपने ऑप्शन चूज कर ली तो ये फाइनल है और आने वाले सारे असेसमेंट के लिए एप्लीकेबल है। वंस यू चूज द ऑप्शन दैट यू वॉन्टेड टू कैरी आउट इधर SLM और WDV, वो आपका फिर फाइनल है, आने वाले सालों में वही रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, द असेसी हैज ऑल्सो द ऑप्शन, असेसी का ऑप्शन है नॉट टू क्लेम डेप्रिशन ऑन SLM बट क्लेम डेप्रिशन नॉर्मली ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक। असेसी कहता है मुझे नहीं क्लेम करनी SLM, मुझे वही चाहिए। दिस ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। ये आपको ड्यू डेट से पहले पहले करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139(1) फॉर असेसमेंट ईयर 98-99। तो आपको 98-99 का असेसमेंट ईयर जहां से ऑप्शन स्टार्ट हुई थी, उस असेसमेंट ईयर की जो ड्यू डेट है वहां तक आपको चूज करनी पड़ेगी, यानी कि 30 सितंबर 1998। इन केस ऑफ एन एसएससी विच बिगिन टू जनरेट पावर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1998, यानी कि जिन्होंने बाद में शुरू किए, बाद में द ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच इट बिगिन टू जनरेट पावर। जिस ईयर में आपने पावर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लगाई है, पावर जनरेट करनी शुरू की है, जिस ईयर में भी लगाई है 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, उसका जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा ना, उसकी ड्यू डेट तक आपको फाइल करना पड़ेगा, उसकी ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा। प्लीज टेल मी, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट था, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, आपको क्लियर करना चाह रहा था पूरी तरह से, मैंने मेरी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया। ओके, वापिस आते हैं पीपीटी के अंदर। हां जी, तो ये मैंने करवा दिया। SSC हैज टू चूज ऑप्शन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। The option once exercised shall be final and applicable for all assessment year. If option not exercised, depreciation shall be allowed on the basis of SLM. ये मैं आपको करवा चुका हूं अब। Okay, एक example हम discuss करेंगे, पहले example को follow करेंगे और example को समझेंगे
और यकीन मानो एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल बहुत इजी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। ओके सर, मेथड है एसएलएम रेट, मेथड एसएलएम रेट अज्यूम कर लो 10%, क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने वो बता ही दिया, मेथड एसएलएम है। ओहो एसएलएम मेथड है, इसका मतलब मैं आपको ब्लॉक समझा रहा हूं या इंडिविजुअल एसेट वाला, ईच एसेट वाला? ऑब्वियसली मैं आपको ईच एसेट वाला समझा रहा हूं, ब्लॉक वाला मैं क्यों समझाऊंगा, वो तो मैंने आपको समझा दिया ना पहले, अच्छा खासी क्लास लगाई थी, अच्छे खासी समझाया था ब्लॉक वाला सिस्टम, दो क्लासें लग गई थी, डेप्रेशन की पहली क्लास और फिर उसके बाद हाउ टू कंप्यूट WDV ऑफ द ब्लॉक, याद है वो दो क्लासें लगाई थी ना, तो अब उसको क्या डिस्कस करना। अब हम डिस्कस करेंगे जो लोग कुछ चूज नहीं करते और जिन्हें बाय डिफॉल्ट एसएलएम मिल जाता है, या जो लोग एसएलएम ही चूज करते हैं ड्यू डेट तक, वो अपनी डेप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके सपोज तीन एसेट है, 1, 2, 3, ओरिजिनल कॉस्ट है, ये मैंने लिखा हुआ है, आप यहां तक लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, 1 लाख ठीक है, डेप्रिसिएशन 10%, पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 10,000, ठीक है मैं लगा देता हूं, पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 10,000, वैल्यू बच गई 90,000, ठीक है। दूसरे साल कितनी लगेगी डेप्रिसिएशन सर? फिर 10,000 लगेगी, ओके, फिर कितना बच गया सर? 80,000 बच गया सर, 80,000 सर। दोबारा 10 क्यों लगी है? 90,000 का 10% तो 9 होता है। ओहो सर, हम WDV मेथड थोड़ी कर रहे हैं, हम तो स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा, ओके 80,000 सर। अब हमने बेच दिया इस एसेट को, मान लीजिए 60,000 में, ठीक है, इस एसेट को हमने बेच दिया 60,000 में, ओके 60,000 में। सर मेरा पहला क्वेश्चन है 20,000 क्या चीज है? देखो सर, आप बात समझो, आपने ओरिजिनल कॉस्ट खरीदी 1 लाख की, एसेट नंबर 1 है, आपको समझ में आ गया है कि मैं इंडिविजुअल एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं। पहले साल आपने अपने P&L में डेप्रिसिएशन क्लेम की होगी 10,000 की, फिर 90 बच गई वैल्यू, फिर अगले साल आपने क्लेम की होगी 10,000 की, 80 बच गई, अब आपने बेच दी, अब आपने बेच दी एसेट तो आपको 60,000 की बिक गई, 60,000 की, तो आपको 20,000 का क्या हुआ? 20,000 का क्या हुआ? सर एक बच्चा कहता सर इसे कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सही कह रहा हूं, एसेट थी 1 लाख की, आज के दिन उसकी वैल्यू 80,000 बची हुई थी, क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन हमने ले लिया था और हमने उसे 60 में बेचा, तो अगर आज वो 80,000 की बची हुई थी और हमने 60 का बेचा तो एक तरह से हमारा लॉस हो गया 20,000 रुपए का, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहते हैं सर 20,000 का। बोलो भाई, मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये बात तुम्हें कहां से पता लगी कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहते हैं? बोला सर मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा अब अकाउंटेंसी भूल जा मतलब भाई हमारे इनकम टैक्स में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा कोई नाम नहीं होता, ऐसा कोई नाम नहीं होता, यहां कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं माना जाएगा। बोला अच्छा सर, तो फिर इस 20,000 क्या होगा? मैंने कहा इसे कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहने का मतलब है ये आपको अलाउ हो जाएगी, टर्मिनल तो नाम रखा है इसका, बस टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे सर, ये आपको अलाउड है टू बी डेबिटेड इन द P&L अकाउंट, यानी कि आपको जिस साल बेचोगे ना उस साल 20,000 रुपए की डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी, इस 20,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, 20,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी एज डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी एज डेप्रिसिएशन। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके क्लियर है सर, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कुछ नहीं होगा हमारे पास, हमारे पास टर्मिनल डेप्रिसिएशन आएगी। सर मान लो, अच्छा इसे हटा दूं थोड़ा सा, कॉपी कर लिया इसको, ओके 90,000, 80,000, 60 का बेच दिया, 20,000 रुपए का आ गया। दूसरा पॉइंट, अभी इसको छोड़ दो आप, मैंने थोड़ा एनिमेशन में प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले करवा दिया। 2 लाख, 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? 20,000, फिर बचा 180, फिर डेप्रिसिएशन 20,000,
160, अब की बार आपने 1,90,000 का बेचा, हालांकि आपकी एसेट की आज के दिन की वैल्यू 1,60,000 है, हालांकि आपके एसेट की आज के दिन की वैल्यू 1,60,000 है, लेकिन आपने बेचा 1,90,000। वाओ, 30,000 रुपए का आपको क्या हो गया? मत कहना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बिकॉज हमारे यहां पर ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है ना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है। तो सर ये 30,000 क्या है? सर इस 30,000 को इनकम टैक्स में कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। इस 30,000 को इनकम टैक्स में कहते हैं सर बैलेंसिंग चार्ज। बोलो भाई क्लियर और नॉट क्लियर? सर इस 30,000 को कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज एक्चुअली में इनकम है, एक तरह की इनकम है, इट इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। जैसे मैं आपको बोलूं जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन थी 20,000 की, उसका डिडक्शन मिला था आपको, क्योंकि आपको नुकसान हुआ था, आपको डिडक्शन दिया था, ये आपको फायदा हो गया 30,000 रुपए का, ये आपका बिजनेस के चैप्टर में टैक्सेबल माना जाएगा। ये आपका फायदा हुआ है, ये आपके बिजनेस के चैप्टर में टैक्सेबल माना जाएगा। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अगला पॉइंट, 3,00,000 की एसेट ओरिजिनल कॉस्ट, 30,000 डेप्रिसिएशन, 2,70,000, फिर 30 की डेप्रिसिएशन, 2,40,000, इस बार आपने बेच दिया 3,30,000 में, इस बार आपने बेच दिया 3,30,000 में। सर मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि पहले तो आप मुझे ये बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन सर आप लोगों से ये है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 2,00,000 वाले एग्जाम्पल में और इस 3,00,000 वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? पहले तो आप मुझे ये बताओ 2,00,000 वाले एग्जाम्पल में इसमें और इस 3,00,000 वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? बोलो बताओ क्या डिफरेंस है? एक बच्चा कहता है सर इसमें आपने प्रॉफिट में बेचा है, 1,60,000 वाली चीज 1,90,000 पे, इसमें भी तो प्रॉफिट में बेचा है 2,40,000 वाली 3,30,000 में। सर इसमें कम प्रॉफिट में बेचा है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट में बेचा है, ऐसी बातें मत बोला करो, कम प्रॉफिट में बेचा है, ज्यादा प्रॉफिट बेचा है। क्या डिफरेंस है बताओ? मैं बताऊं सर, इसमें आपका जो 1,90,000 है ना वो आपके WDV से ज्यादा है, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन WDV बट नॉट मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट। ध्यान दो, आपका सेल प्राइस WDV से ज्यादा है लेकिन वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आपका सेल प्राइस, ये जो सेल प्राइस है ये 3,30,000 है, ये WDV से ज्यादा है लेकिन इस बार ये ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है। हां जी, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? सेकंड कॉन्सेप्ट में सेल प्राइस WDV से ज्यादा है बट लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन इस केस में सेल प्राइस WDV से भी ज्यादा है और ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है, ये डिफरेंस है। ये इसमें तो आपका देखा था सेल प्राइस था ही कम, सेल प्राइस ही कम था, WDV से बात ही खत्म हो गई। जब WDV से कम है तो ओरिजिनल कॉस्ट तो कम होगा ही होगा। हां जी, क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर इसमें क्या होगा? सर है तो ये भी प्रॉफिट ही, हाँ है तो ये भी प्रॉफिट, तो ये भी है तो बैलेंसिंग चार्ज ही है, तो ये भी बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन सर अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुन लो, ये 3,30,000 WDV से ज्यादा है? हां सर ज्यादा है। कितना? 90,000। क्या ये 3,30,000 ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है? यस सर। कितना? 30,000। सर ओरिजिनल कॉस्ट 3,00,000 की है, ये 3,30,000 का है, तो सर ओरिजिनल कॉस्ट से 30,000 ज्यादा है। सर अगर कोई सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा हो तो वो कैपिटल गेन होता है। आप इसे याद कर लो एक बार के लिए, इस चैप्टर में काम आएगा। अगर कोई सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो वो कैपिटल गेन होता है। अगर कोई सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो वो कैपिटल गेन होता है। सर इसे रट लो, रट लो आप। सर कितना ज्यादा कैपिटल गेन से, सॉरी सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से कितना ज्यादा है? 30,000। सर 30,000 रुपए जाएगा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। सर बचा कितना? 60,000। सर ये होता है बैलेंसिंग चार्ज, ये होता है बैलेंसिंग चार्ज, जो बच गया वो बैलेंसिंग चार्ज। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? सर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? हालांकि सर मैंने वो बोला था कि डेप्रिशिएबल एसेट पर जो भी कैपिटल गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डेप्रिशिएबल एसेट पर कैपिटल गेन आ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है
और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये कितना पुराना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे देखते हैं, ये हम कैपिटल गेन के चैप्टर में सीखेंगे। इस क्लास में आपको ये याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। हालांकि डेप्रिशिएबल एसेट पर आने वाला कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, डेप्रिशिएबल एसेट पर आने वाला कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये बात मैंने आपको ब्लॉक सिस्टम में समझाई थी। लेकिन 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 जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की केस है, वहां पर जो डेप्रिशिएबल एसेट है उन पर जो कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। प्लीज सर टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर, ये सब मैं हटा रहा हूं सर, आपको दिखाता हूं कैसे दिखाऊंगा मैं आपको। 20,000 को हम बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिशन रिटर्न ऑफ, इस टर्मिनल डेप्रिशन 20,000 की आपको मिलेगी डिडक्शन। 30,000 को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज और ये टैक्सेबल है अंडर द हेड पीजीबीपी, इसमें से 60,000 बैलेंसिंग चार्ज है और 30,000 रुपए आपका आएगा कैपिटल गेन। ये सीएसटी गलती से लिखा हुआ है, कैपिटल गेन लिख रहा था मैं, कैपिटल गेन मे बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एसेट। एक एसेट को आप कब से आपके पास ये एसेट है इस बात पर डिपेंड करेगा वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल गेन। बोलो भाई यहां तक आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुझे पूरी उम्मीद है आपको बात यहां तक क्लियर हो गई है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्यूटली क्लियर टू यू ऑल। ओके क्लियर, ओके वापस आते हैं बुक के अंदर, वापस आते हैं बुक के अंदर। अच्छा एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा, अच्छा तो मैं बुक में समझा दूंगा, ये एग्जांपल आपने बुक में देख लिए, इसी एग्जांपल को देख लो आप एक बार दोबारा, ये एग्जांपल आपने देख लिए बुक के अंदर, इसको ठीक कर लेना भाई। ये कैपिटल गेन है और ये शॉर्ट टर्म है, एसएल लिखा हुआ गलती से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। सर अब कुछ पढ़वा दूं आपको, नोट नंबर वन पढ़ लिया हमने, नोट नंबर टू, द एग्रीगेट डेप्रिशिएशन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर शेल नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। कितनी सिंपल बात है, कह रहा जो एग्रीगेट डेप्रिशिएशन है ना, जो आपको टोटल डेप्रिशिएशन मिली है वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन मेथड का फीचर है ये। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिशिएशन 10 के 10 साल भी क्लेम कर लोगे तो मैक्सिमम ओरिजिनल कॉस्ट इतनी हो जाएगी, उससे ज्यादा उस केस में भी नहीं हो सकती। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फीचर है कि जो डेप्रिशिएशन होती है दैट नेवर एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट, इट इज में कोई बिग डील नहीं है, कोई बिग टास्क नहीं था। थर्ड में करवा चुका हूं, फोर्थ में करवा चुका हूं, यह भी पढ़ा चुका हूं, द ऑप्शन सो एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड शैल अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज देन डेप्रिशिएशन शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन मेथड दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज इफ अबव एसेट आर सोल्ड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। कंसीक्वेंसेस में पहला पॉइंट लिखा हुआ है टर्मिनल डेप्रिशिएशन। ओके जब आप एसेट बेचेंगे अगर सेल प्राइस लेस देन है, सेल प्राइस इज लेस देन WDV, आप एग्जांपल देख लो, आपको दिखा देता हूं एग्जांपल, दिस इज द सेल प्राइस एंड दिस इज लेस देन WDV, सेल प्राइस इज लेस देन WDV, अगर सेल प्राइस है लेस देन WDV देन सच डेफिशिएट जो कम है यानी कि 20,000 शैल बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब आपको अलाउड हो जाएगा डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन एज डेप्रिशिएशन, आपको डेप्रिशिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि आप P&L में जो डेबिट करेंगे जो अलाउड है वो 20,000 होगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया था। कैपिटल गेन बैलेंसिंग चार्ज छोड़ देना एक बार, पहले कैपिटल गेन पढ़ना। सर कैपिटल गेन में लिखा है इफ सेल प्राइस एक्सीड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अगर सेल प्राइस आपका ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर हो जाए, WDV लिखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट है, सच एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। मेरी एग्जांपल में 3,30,000 का सेल प्राइस था और 3,00,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, 30,000 हमने कैपिटल गेन माना था, राइट।
द कैपिटल गेन में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट. वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये इस बात पे डिपेंड करेगा वो आपने एसेट कब से होल्ड की हुई है. ऐसी बात कैपिटल गेन में लिखी हुई है. चलो एक बार के लिए बताऊं थोड़ा सा, 3 साल का पीरियड होता है यहां पे इस वाली एसेट के लिए. 3 साल मान लो, 3 साल से ज्यादा पुरानी एसेट है, मोर देन 3 ईयर ओल्ड एसेट आपके पास है तो लॉन्ग टर्म है. 3 ईयर्स और लेस है, मतलब अभी हमने 1 साल पहले खरीदी थी और अभी बेच रहे हो, 2 साल पहले खरीदी थी अभी बेच रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है. ओके, अब आ गया बैलेंसिंग चार्ज. सर मैं चाहूंगा आप बैलेंसिंग चार्ज को पढ़ें, प्लीज मैं चाहूंगा आप एक बार बैलेंसिंग चार्ज को पढ़ें, बिकॉज मैं बैलेंसिंग चार्ज समझाने में टाइम लगाने वाला हूं. बैलेंसिंग चार्ज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको आपको सीखने पड़ेगा अच्छे से. प्लीज आप एक बार बैलेंसिंग चार्ज को जरूर पढ़ें. क्या लिखा हुआ बैलेंसिंग चार्ज में, हाँ जी हाँ जी, बोलो भाई बोलो फटाफट बोलो. बैलेंसिंग चार्ज, ओके बैलेंसिंग चार्ज में लिखा है. अच्छा वैसे बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है यहां से देख के बताओगे, यहां से सर बैलेंसिंग चार्ज होता है ये सेल प्राइस जब WDV से ज्यादा होता है ना तो बैलेंसिंग चार्ज होता है. सही बात है, लेकिन सर सेल प्राइस तो यहां भी WDV से ज्यादा था, लेकिन ये 90,000 तो बैलेंसिंग चार्ज नहीं हुआ था, तो फिर क्या डिफरेंस. फिर आप बैलेंसिंग चार्ज की डेफिनेशन बना के दिखाओ. सर ये एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर सेकंड है वो तो ये कह रही है कि जो सेल प्राइस, एग्जांपल नंबर सेकंड कह रही है कि जो सेल प्राइस अगर WDV से ज्यादा हो तो ये बैलेंसिंग चार्ज होता है. ठीक है, पर सर इस केस में भी तो सेल प्राइस WDV से ज्यादा है, ये तो बैलेंसिंग चार्ज नहीं है. इसका मतलब डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि सेल प्राइस WDV से ज्यादा हो तो बैलेंसिंग चार्ज होता है, लेकिन कुछ लिमिट तक होता है, उससे भी ज्यादा हो तो नहीं होता. सर वो ओरिजिनल कॉस्ट तक होता होगा. ओके चलो, कुछ कुछ कंफ्यूजन तो क्रिएट हुई, कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्यूशन पता लगेगा. ओके सर बैलेंसिंग चार्ज में यहां लिखा हुआ है द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू. ये इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू में आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सेल प्राइस ही है. कुछ छोटा मोटा कूड़ा कबाड़ा बिका तो वो भी सेल प्राइस का पार्ट है. सेल प्राइस अगर एक्सेस है यानी कि ज्यादा है, एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू. हां तो भाई ये तो हम बोल ही रहे हैं कि अगर सेल प्राइस WDV से ज्यादा है तो वो बैलेंसिंग चार्ज है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV. ये क्या बोल दिया, कह रहा था एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द WDV टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ बिजनेस यानी कि PGBP यानी कि बैलेंसिंग चार्ज. सो टू द एक्सटेंट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड WDV का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस. अब मैं बताऊं सर मोटी मोटी भाषा में, सर सेल प्राइस जितना WDV से ज्यादा है, ध्यान सुनो ध्यान से, बड़े टेक्निकल तरीके से नहीं बताऊंगा, बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा. सेल प्राइस WDV से जितना ज्यादा है वो सारा बैलेंसिंग चार्ज है. अभी बात पूरी नहीं की है यही मत सुन लेना फिर तो गलत बोलोगे आप. सेल प्राइस WDV से जितना ज्यादा है वो सारा बैलेंसिंग चार्ज है, वो सारा बैलेंसिंग चार्ज है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा. मतलब मान लो सेल प्राइस WDV से, मान लो सेल प्राइस WDV से 1 लाख ज्यादा है, मान लो सेल प्राइस WDV से 1 लाख ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ एक्चुअल कॉस्ट और WDV का डिफरेंस सिर्फ 70,000 है, दूसरी तरफ एक्चुअल कॉस्ट और WDV का डिफरेंस सिर्फ 70,000 है, तो वो 1 लाख ज्यादा था ना, वो बैलेंसिंग चार्ज अब नहीं बन पाएगा, वो मैक्सिमम 70,000 बन पाएगा. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेल प्राइस WDV से जितना ज्यादा है वो बैलेंसिंग चार्ज बन सकता है, लेकिन वो अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. उल्टा एग्जाम्पल लू,
अगर सेल प्राइस WDV से ज्यादा है, 1 लाख है मान लो, 1 लाख बैलेंसिंग चार्ज बन सकता है, 1 लाख पूरा मान लो, एक्चुअल कॉस्ट और WDV का डिफरेंस 1,50,000 है, तो बस जो हमारा डिफरेंस आया सेल प्राइस और WDV का वो 1 लाख है, और दूसरी तरफ डिफरेंस देखे तो 1,50,000 है, तो हमारा डिफरेंस उनके डिफरेंस से ज्यादा नहीं है, तो बस बन गया बैलेंसिंग चार्ज। रट्टू बच्चों के लिए एक और तरीका भी है, जो बच्चे रटते हैं रट्टू बच्चे हैं उनके लिए बड़ा आसान तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो विच एवरेज लेस है वो बैलेंसिंग चार्ज है, जो विच एवरेज लेस है वो बैलेंसिंग चार्ज है। ऐसे भी कर सकते हैं रट्टू बच्चे, लेकिन समझने वाले बच्चे समझ गए हैं कि सेल प्राइस WDV से ज्यादा बैलेंसिंग चार्ज को इंडिकेट करता है, पर ये बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर, बहुत ही टेक्निकल बात हो गई, समझा दो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर। बेटा एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगा, और एग्जाम्पल भी वही वाली लूंगा जो आपने कर ली है। ओके सर, देखो पहले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में बैलेंसिंग चार्ज का क्वेश्चन आता ही नहीं, पहले वाले पार्ट में बैलेंसिंग चार्ज का क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा ही नहीं है। अब मैं दूसरा पार्ट समझाऊंगा। सर सेल प्राइस WDV से कितना ज्यादा है? सर सेल प्राइस है 1,90,000, ठीक है बेटा, WDV है 1,60,000, सर ये आ गया 30,000 रुपए। सर 30,000 बैलेंसिंग चार्ज बन सकता है, 30,000 बैलेंसिंग चार्ज बन सकता है, शर्त है वो एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से ज्यादा ना हो, शर्त है वो एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से ज्यादा ना हो। अगर ऐसा हुआ, वो ज्यादा नहीं है, तो हम 30 को बना देंगे। सर एक्चुअल कॉस्ट ये रहा 2 लाख और WDV वही है 1,60,000, सर आ गया 40,000, तो सर बड़ी अच्छी बात है, एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से ज्यादा नहीं है 30,000, तो 30,000 बनेगा बैलेंसिंग चार्ज। रट्टू बच्चों ने रट लिया है, 30,000 और 40,000 दोनों में सबसे कम जो है वही बैलेंसिंग चार्ज है, कह सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। सर ये वाला एग्जांपल भी समझा दो फिर। हाँ यही वाला एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है। सर सेल प्राइस आपका है 3,30,000 और सर WDV है आपका 2,40,000, सर डिफरेंस आ गया 90,000। सर बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम 90,000 हो सकता है, वो भी तब जब ये एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से ज्यादा ना हो। सर एक्चुअल कॉस्ट है 3 लाख और WDV है 2,40,000, सर ये आ गया आपका 60,000। ओहो 60,000 आ गया, सॉरी सर 90,000 बैलेंसिंग चार्ज नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से ज्यादा है, ये तो 60,000 ही बन पाएगा। रट्टू बच्चों को याद हो गया है, दोनों में सबसे कम जो होता है वही बैलेंसिंग चार्ज बनता है, इसका मतलब 60,000 रुपए बैलेंसिंग चार्ज बनेगा। कंप्लीट फिनिश, प्लीज टेल मी आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताइए प्लीज। आपको डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज क्लियर और नॉट क्लियर? आपको डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने कंप्लीट कर दिया है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, यहां पर यह पूरा खत्म हो गया है। डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्टेड मोटर कार मैं पहले ही करवा चुका हूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन मैं करवा चुका हूं, लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को, एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद होगा। हाँ अब अगला मेरा कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। बोलो भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बट प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूंगा अगली क्लास में, आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट में करूंगा। थैंक यू वेरी मच।